अक्सर ये आरोप लगता है कि ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा कुछ खास जातियां ही उठा पाती है। जो कमजोर जातियां हैं, साथ ही जिनकी आबादी कम है, वो आरक्षण के लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। साथ ही जो राजनीतिक रूप से सबल हैं, वो सबसे अधिक आरक्षण का लाभ लेते हैं। लेकिन शायद आने वाले समय में ये आरोप अब नहीं लग पाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी कोटे से किस जाति को कितनी नौकरी मिली है, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने इसकी रिपोर्ट तलब की है। सरकार ने हर विभाग से पिछले 10 साल का आंकड़ा मांगा है, जिसे लेकर विभागों ने तैयारी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि आंकड़े इसलिए तलब किए गए हैं जिससे पता लगाया जा सके कि पिछले 10 साल में यानी 2010 से 20 के बीच ओबीसी कोटे से जो भी नियुक्तियां हुई उनमें कौन कौन से जातियों को कितनी नौकरी मिली। जानकारी के मुताबिक सरकार ने सभी विभागों से ओबीसी कैटेगरी की उपजातियों का भी विवरण मांगा है। सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के निदेशक की अध्यक्षता में बैठक में इसका प्रारूप सामने रखा गया। इसमें उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल में दी गई नौकरियों में ओबीसी उपजातियों का विवरण मांगा गया है। सभी 83 विभाग ये आंकड़े सरकार को देंगे। इसके लिए हर विभाग के अपर मुख्य सचिव को सूचना जारी की जा चुकी है। दूसरी तरफ सरकार के इस कदम के सियासी मायने भी तलाशे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि योगी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी वर्ग और इसके अंतर्गत आने वाली उपजातियों को पिछले 10 साल में दी गई नौकरियों का आंकड़ा दिखाकर वोट मांग सकती है। साथ ही इससे राजनीतिक ध्रुवीकरण भी पैदा करने की कोशिश की जा सकती है। इसमें खास बात यह है कि सरकार की तरफ से जो भी आंकड़े मांगे गए हैं उसमें पूछा गया है कि कुल कितने पद स्वीकृत किए गए हैं, कितने पद भरे गए हैं, ओबीसी के लिए कितने पद निर्धारित थे, ओबीसी वर्ग से कितने पद भरे गए, सामान्य वर्ग में कितने से ओबीसी चयनित हुए, भर्ती में कितने ओबीसी का कुल चयन हुआ, ओबीसी कोटा पूरा हुआ या नहीं, समूह ग से ख तक ओबीसी उपजातियों के लिहाज से कर्मचारियों की संख्या कितनी है और कितने कर्मचारी ओबीसी वर्ग की उपजाति से है। सियासत के चलते योगी सरकार इस कदम को 2024 के लोकसभा चुनाव के तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही इसे सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभट्ट और मौजूदा सरकार में मंत्री संजय निषाद भी उठाते रहे हैं। राजभट्ट इस कदम का स्वागत करते हुए इसे अपनी लड़ाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। दूसरी तरफ योगी सरकार ने जस्टिस राघवेंद्र की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 2021 में शासन को सौंप दी थी। कमेटी ने ओबीसी को 3 वर्गों में बांटने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में ओबीसी को पिछड़ा, अति पिछड़ा और सबसे पिछड़ा में बांटने की सिफारिश करते हुए कहा गया था कि आरक्षण का लाभ कुछ ही जातियों के बीच सिमट कर रह गया है। गौर करने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी के तहत 234 जातियाँ आती है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग सामाजिक न्याय समिति ने अपनी रिपोर्ट में 27% ओबीसी आरक्षण को इनके लिए 3 भागों, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और सर्वाधिक पिछड़ा में बांटने की सिफारिश की है। पिछड़े वर्ग में सबसे कम जातियों, जिसमें यादव कुर्मी जैसी संपन्न जातियां हैं, अति पिछड़ा में वो जातियां जो कृषक या दस्तकार है, और सर्वाधिक पिछड़े में जो पूरी तरह से भूमिहीन, गैर दस्तकार और श्रमिक है, उन्हें शामिल करने को कहा गया था। हालांकि योगी सरकार इस कदम का कई राजनीतिक दल विरोध भी कर रहे हैं और इसे ओबीसी समाज में विभाजन की साजिश करार रहे हैं। उनका कहना है कि पूरी सियासत के लिए किया जा रहा है और ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म करने की ये शुरुआत है और बीजेपी सरकार धीरे धीरे देश के दूसरे राज्यों में भी इस प्रणाली को लागू कर सकती है और धीरे धीरे पिछड़ा वर्ग के रिजर्वेशन है उसको पूरी तरह से खत्म कर सकती है। हालांकि सरकार से जुड़े लोग विपक्ष के आरोपों का खंडन कर रहे हैं और उनका कहना है कि पूरी तरह से सामाजिक न्याय लाने के लिए सरकार का एक कदम है। अब ऑर्गेनिक तरीके से रखे खुद के साथ किचन के बर्तनों और बाथरूम के टॉयलेट का ख्याल। अकासा लेकर आया है ऑर्गेनिक हैंड वॉश, शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर के साथ ढेर सारे प्रोडक्ट जो करे आपका और आपके घर का कंप्लीट केयर।